हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अमित। दोस्तों, मंगलुरु से बहुत बुरी खबर सामने आ रही है कि दुबई से लौटा कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज रविवार को अस्पताल से भाग गया, जिसके चलते पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है पूरे जिले में। एक्चुअली हुआ ऐसे कि दरअसल दुबई से लड़का आ रहा था, जब मंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरा तो उसे बहुत तेज बुखार था, कोरोना वायरस के भी लक्षण उसमें दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद उसे सीधे अस्पताल ले जाया गया। अब दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कोरोना वायरस के लक्षण 14 दिनों बाद सामने आते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण के संदेह में अस्पताल के वार्ड में अलग उसे भर्ती कराया गया था, लेकिन रविवार को वह अस्पताल से भाग गया है। बताया ये जा रहा है कि उसने रात में अस्पताल के स्टाफ से झगड़ा भी किया था। उसका ये कहना था कि मुझे कोरोना हुआ ही नहीं है, जबकि उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा था, और उसके कहते ही हुए अस्पताल से वो चला गया। और वो ये कह रहा था कि मैं किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी है, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। अब दोस्तों, आप ही बताइए कि एक तो अस्पताल में फ्री में इलाज हो रहा था, ऊपर से वो झगड़ा करके अस्पताल से भाग गया है। अब वो अपने घर जाएगा, 4 लोगों को और कोरोना वायरस फैला देगा जाके। दोस्तों, ये आप बताइए, क्या ये अच्छा है। भाइयों, आप लोगों से मेरी विनती है कि अगर आप मंगलुरु से बिलोंग करते हैं या आसपास के एरिया से, और सड़क पे आपको कोई भागता हुआ व्यक्ति नजर आए, तो प्लीज उससे दूर रहिएगा। हो सकता है वो वही कोरोना वायरस का मरीज हो। दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया हो और अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाई, तो प्लीज बटन दबा दीजिए। आपके भाई को बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।